की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट बैठक का आयोजन हो रहा है। आपको बता है सिंडिकेट में हंगामेदार रहने के आसार दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो ही रिसर्च स्कॉलर यूजीसी के नई रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर जो है हंगामा हो सकता है। एबीवीपी और पुलिस में भी झड़प देखने को मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां रिसर्च स्कॉलर यूजीसी के नए रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। एबीवीपी और पुलिस में भी जो है झड़प देखी जा सकती है। तस्वीर आप इस समय देख सकते हैं, जहां छात्रों की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं एबीवीपी और एनएसयूआई की कार्यकर्ता। जयपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक चल रही है, जहां पर सिंडिकेट बैठक के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है जहां पर झड़प देखी जा सकती है। रिसर्च स्कॉलर यूजीसी नए रेगुलेशन जैसे मुद्दों पर आज हंगामा देखने को मिल सकता है। एबीवीपी और पुलिस में भी जो है झड़प देखी जा सकती है। छात्रों की मांगों को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से इस वक्त की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश कुमावत जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश, देखिए एनएसयूआई और एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है प्रदर्शन कर रहे हैं, झड़प भी देखी जा सकती है, पुलिस से क्या कुछ अपडेट है अभी वहां से? बिल्कुल, आज राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित हो रही है। जो सिंडिकेट के सदस्य हैं वो विश्वविद्यालय के कई मसलों को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन इस बैठक से पहले ही विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति सचिवालय के बाहर छात्रों का प्रदर्शन देखा जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की कई सारी मांगे हैं, जिसमें एबीवीपी और एनएसयूआई की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका लगातार ये विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर आरोप है कि उनकी जो जायज मांगे हैं उनको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। इसके अलावा बात करें, आज जो विश्वविद्यालय कैंपस में काम करने वाले संविदा कर्मी हैं, उनके द्वारा भी सिंडिकेट बैठक के बाहर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी ये मांग है कि उनको जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं उनको विश्वविद्यालय में परमानेंट किया जाए। इसके अलावा जब छात्रों की बात करें तो उनका ये कहना है कि भाभा हॉस्टल में गत दिनों मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें असिस्टेंट वार्डन की जो भूमिका है वो संदिग्ध नजर आ रही है। ऐसे में भाभा हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन को हटाने की मांग को लेकर छात्र मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जो पीएचडी एडमिशन टेस्ट में यूजीसी की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत 30% जो नंबर है वो इंटरव्यू के शामिल होंगे। ऐसे में इसके फैसले के विरोध में भी छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये जो पूरी बैठक है, लंबे समय से ही, काफी समय से ये बैठक हुई नहीं थी, ऐसे में पहले से ही आसार थे कि ये हंगामेदार रहने वाली है। और जैसे आसार थे उसी हिसाब से अब ये भारी प्रदर्शन और विरोध के बीच में ये सिंडिकेट बैठक आयोजित हो रही है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि जो छात्रों की जायज मांगे हैं उसको लेकर इस बैठक में सकारात्मक फैसले होंगे, लेकिन छात्र ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को लेकर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में छात्रों की मांग है कि उनकी मांगों को लेकर कोई कार्रवाई की जाए। जी रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।